नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के ना पूरे किताब से ना 20 को चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% ये इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको एक बार अच्छे से देखकर याद कर लीजिए, मैं आपको एक एक करके सब याद करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, आई वॉन्ट डैट गर्ल्स एडमिटेड नाउ, किसने कहा था, यानी कि मैं चाहता हूँ कि लड़की एडमिट हो जाए, मतलब कि भर्ती हो जाए। तो दोस्तों ये किसने कहा था, तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपके हिंदी किताब के लिए, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अब दोस्तों दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नगर कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आंसर याद करना, सुजाता हो जाएंगे। और दोस्तों जो आपका धरती कब तक घूमेगी पाठ है ना, उसके लेखक है सांवरदैया, और ढहते विश्वास के लेखक है सात कोड़ी होता, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है श्रीनिवास जी। तो सारे पाठ का नाम भी याद होना चाहिए। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ, किस कहानी की पंक्ति है। तो दोस्तों ये धरती कब तक घूमेगी जो पाठ है ना, जिसके लेखक है सांवरदैया, उसी पाठ का यह है। तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, तीसरा का आंसर डी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, नजम्मा मंगमा की कौन थी। तो नजम्मा मंगमा की बहू लगती थी। नजम्मा कौन थी, तो मंगमा की बहू लगती थी, इसे आप लोग को याद रखना है। आंसर आपका मिल जाएगा चौथा का दोस्तों, सी नंबर। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा देवनागरी, क्योंकि देवनागरी वैसे ही लिखते हैं, बाकी दोस्तों देवनागरी देख लो हर जगह गलत दिया है, कहीं देवी नागरी, कहीं देवे नागरी, कहीं देवनागरी। तो आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है छठा नंबर, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों देखो हिंदू हमारा शुद्ध शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा हिंदू सही हुआ। लेकिन दोस्तों हिंदू तो ऐसे लिखा, ये भी सही है, सी भी, ये भी गलत है दोस्तों, मधुर भी गलत है, मधुर यहाँ से ऐसे रहेगा तब सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला है ना, सौहार्द, ये हमारा सही होगा, ये हमारा डी नंबर वाला बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि विवाह शब्द है, देखो विवाह शब्द आपका एक पुलिंग होता है, विवाह जो है ना वो पुलिंग शब्द होता है। तो आपका आंसर मिल जाएगा सात का बी नंबर वाला, इसे अच्छे से याद रखिए। आठ नंबर क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ तो समझ लो कि आपका वर्तमान काल का उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ सिंपल है तो वर्तमान काल का ये मतलब कि उदाहरण है दोस्तों। तो आंसर आपका दोस्तों आठ का ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका नौ नंबर, इसको ध्यान से देखना, नौ नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, लंबोदर कौन समास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें देवी देवताओं का नाम आएगा वो 100% आपका बहुवीरी समास कहलाएगा। तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों बी नंबर, बहुवीरी समास होगा, इसे आप लोग को याद करना, ये हमारा बहुवीरी समास हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन आप दोस्तों देख सकते हैं, ये आपका उसी का दूसरा सी और डी ऑप्शन था। दस नंबर क्वेश्चन है, महिला का पर्याची क्या होगा, महिला शब्द का प्राची, दोस्तों महिला का प्राची हो जाता है नारी हो जाएगा। और अगर कहेंगे पुरुष का, तो पुरुष का क्या हो जाएगा, जैसे महिला का नारी होता है वैसे ही पुरुष का भी आप बता देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एणी शब्द का विलोम, दोस्तों एणी का चोटी होता है, एणी शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो चोटी होता है, चोटी, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला 11 का, याद हो जाएगा ना सी नंबर का 11। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, दोस्तों 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों 12 का डी नंबर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, लिखावट शब्द है, दोस्तों लिखावट क्या है दोस्तों, तो लिखावट आपका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, ये स्त्रीलिंग रूप होता है, ठीक है ना, इसे याद रखना, पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमान जी का श्रीमती हो जाएगा, श्रीमान जी का दोस्तों श्रीमती मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा सी नंबर वाला मिल जाएगा, श्रीमती जी, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, शुद्ध शब्द है, तो प्रामाणिक यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा डी नंबर वाला, प्रामाणिक, बाकी ये देखो पति, आप देखें आप सोच रहे हैं सर जी पति सही है, नहीं पति को ऐसे लिखते हैं पति, ठीक है ना, नहीं नहीं एक मिनट पति है ना,
पति सही है बट यहाँ पर ना थोड़ा सा गलती कर दिया, इसलिए हम उसको टिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना प्रमाणिक हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 के बाद से 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे। दिनकर जो थे ना, रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। तो राइफल की तरह आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, राइफल की तरह। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं आटता। तो कौन नहीं आटता, चौखट में बेटे को कौन नहीं आटता। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कि कौन सा महीना माँ के लिए देव बन गया था। तो अगहन का महीना, क्योंकि सबको पता था कि आने वाले अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएंगे। तो 20 का दोस्तों आंसर बी मिल गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने आज तक और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और एग्जाम पूरे सर पर चढ़ चुका है, समझ लो कि आज नहीं तो कल ही एग्जाम आपका होने वाला है, लेकिन आपको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ना ही आपको अच्छे से कुछ याद है और आप लोग बढ़िया से तैयारी नहीं कर पाए हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक मूल मंत्र दूंगा, यानी कि एक जड़ी बूटी दूंगा। अगर मानते हैं कि 15 फरवरी के दिन आप लोगों का हिंदी का पेपर है और आप लोगों को तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया है और 15 फरवरी का आपका पेपर है और आप लोगों को कैसे भी अच्छे नंबर लाना है, आपको कम से कम फर्स्ट डिवीजन 100% आपको चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा हिंदी का, अगर आप चाहो ना तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम से एक दिन पहले रात में 2 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा समय देकर अगर एक बार रिपीट कर लेते हो, भले याद होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर नज़र पर बैठा भी लेते हो ना, तो उसी में से सारे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाएंगे और आप आराम से बाजी मार देंगे। ये हम आपको 100% दावा देते हैं। तो आपको हिंदी का ही नहीं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नन हिंदी, मैथिली, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, सबका हम आपको दे देंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको मैं सब्जेक्टिव भी दे दूंगा और आंसर के साथ। तो जिसको भी दोस्तों लेना है, दोस्तों ये आपको ना मात्र 199 रुपये लग रहा है इसके लिए, अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पर दोस्तों फ्रॉडिंग का बात नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैथ समझाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, सब विषय पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो जिसको भी दोस्तों लेना होगा ना, तो वो हमारे इस नंबर पर SMS करना, मैं आप लोगों को स्कैनर भेज दूंगा, ठीक है ना, या फिर आप ना पेफोन से पेमेंट कर देना इसी नंबर पे 9693779 4, यही मेरा पर्सनल नंबर है और यही दोस्तों मेरा पेफोन नंबर भी है। और अगर आपको स्कैनर चाहिए होगा तो इस पर SMS करना, व्हाट्सअप करना कि सर जी हमको PDF चाहिए, हम पेमेंट कर देते हैं, आप हमको दे दीजिए, तो हम व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग को ज़रूर देने की कोशिश करेंगे 100%, ठीक है ना। तो स्कोर अच्छा से करना एग्ज़ाम में इस बार, ओके।